मैं सच बता रही हूँ, इस फेस पैक को आप यूज करोगे ना, आपकी जो एज है ना 5 साल छोटी नजर आएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ आपकी दर्शिति गुप्ता। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। ये फेस पैक जो है वो आपकी स्किन को फेयर करने में हेल्प करेगा। आपकी फेस पर जो एज स्पॉट्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन बहुत ढीली ढाली हो जाती है, तो एज स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड आपकी स्किन को टाइट भी बनाएगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग भी बनाएगा। इस फेस पैक को बनाना बहुत ईजी है और इसे यूज करना भी उतना ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं ये फेस पैक कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस फेस पैक को बनाने के लिए चाहिए 3 चीज़ें। मैं यहाँ 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप बेसन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मैं विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। विटामिन ई भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप यहाँ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, मैं गुलाब जल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग चंदन पाउडर लेना है। दूसरा, आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है, ठीक है। कुछ बूंदे आपको विटामिन ई कैप्सूल की डाल देनी है एंड गुलाब जल डालकर एक पैक तैयार करना है। इस पैक को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड 10 मिनट बाद अपने फेस को सादे पानी से धुल लेना है। दोस्तों मेरी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन होने की वजह से मैं गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बिल्कुल भी ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं 10 मिनट बाद इसे फेस वॉश कर लूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो चंदन पाउडर होता है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको चंदन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, कील मुहासे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, आपके कलर को फेयर भी करता है। दोस्तों अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप इस फेस पैक को अप्लाई करो, फ्रेशनेस आ जाती है और आप इसकी चंदन पाउडर की खुशबू से मूड जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो मैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए भी ये फेस पैक इस्तेमाल कर दी हूँ। दूसरा, मैं विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुहासे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। तो विटामिन ई का इस्तेमाल कर रही हूँ और गुलाब जल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सभी को पता है गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। स्किन कलर को फेयर करना हो, स्किन को सॉफ्ट बनाना है, स्किन को ग्लोइंग बनाना है एंड आपकी स्किन में ताजगी लानी है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, मेरा फेस पैक सूख गया है। अब मैं गुनगुने पानी से इस फेस पैक को धुल लूंगी और आप देख सकते हैं कि तुरंत ही मेरे फेस पर एक फेयरनेस आ गई और मेरे फेस पर एक कितना प्यारा ग्लो भी है। दोस्तों वीक में 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हो और अगर आप अपनी झुर्रियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, स्किन को टाइट करना चाहते हो, तो कम से कम वीक में 4 टाइम आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके आप इसको लगाओ ना तुरंत ही आपको लगेगी कि आपके स्किन में कसावट आ गई है। जो आपकी जो ईज है ना, मैं सच बता रही हूँ, इस फेस पैक को आप यूज करोगे ना, आपकी जो ईज है ना 5 साल छोटी नजर आएगी। जी हाँ, बहुत ही कमाल का ये फेस पैक है, ट्राई जरूर करना। तो इस फेस पैक को ट्राई जरूर करेगा। ट्राई करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट है कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।